के जो बात करने वाली है नाजरीन के 25 मिनट का मैं प्रोग्राम करके आया हूँ। एक कमरे में फजल कमाल साहब, कमर आफ्ताब साहब, आगा नासिर साहब और मुख्तार सिद्दीकी साहब, ये तशरीफ फरमा है। और उसी वक्त इशर अंसारी साहब या नुसरत ठाकुर साहब चेक देते थे, तो मैंने कहा जी वो चेक, उन्होंने कहा चेक नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी क्यों? कि शौकत अली कॉर्पोरेशन इज नो मोर, इट्स गोइंग टू बी क्लोज्ड। अच्छा, वो डर गए, वो डर गए कि इसके कुछ शेयर्स जो है पीटीवी के जो शेयर्स थे, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने वापस कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कॉर्पोरेशन बंद हो रही है, पीटीवी नहीं चलेगा। मैंने कहा जी अल्लाह ताला करे ये पीटीवी चले, हमें चेक नहीं चाहिए, इसको चलाए। और अल्लाह ताला का आज करम है कि पूरी दुनिया में आप टीवी की वजह से पहचाने जा रहे हैं, और आज देखिए हम चैनल 3 पे बैठे हैं। और अल्लाह ताला जमशेद फुरशोरी आपको सलामत रखे और प्यार से लोगों को याद करते हैं। और ऐसे ऐसे फनकार आ रहे हैं, मैं सबके प्रोग्राम देख रहा हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सर वो जो ब्लंडर हुआ था, बौखलाहट हुई थी, मतलब इतनी लाइव ट्रांसमिशन में आप इस तरह बौखलाते थे या यू वर ऑलवेज काम एंड क्वाइट? नहीं, चूंकि कवर तो हो नहीं सकता था लाइव ट्रांसमिशन में, कहाँ कवर होता है, मगर हम कोशिश करते थे। मसलन मुझे पिंडी टीवी पे पहली मर्तबा अल्लाह ताला अगरी के रहमत करे नज़ीर वड़ाइस साहब लेके आए। अच्छा। यहाँ ईद का शो था जो यहाँ पे स्टेशन था जी पहले आपका चकलाला, तो मैं नज़ीर वड़ाइस साहब के साथ ही आया। रफीक वड़ाइस साहब के जो बड़े भाई हैं, रफीक साहब के भी बड़े एहसानात हैं हम पे, चूँकि जब उन्होंने इतना काम किया तो वहाँ पे एक गीत था ईद का, तो अब मैं भूल गया हूँ, तो मैंने चक्कर लिया उस वक्त, यानी कैमरे की तरफ बैक करके, जब वो चूँकि मिसिंग हो रहा था। तो ऐसे ऐसे काम तो होते रहते हैं और बंदा मैनेज कर लेता है, वो इतना तजर्बा तो हो गया। लेकिन आई गेस के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो लाइव में ज़्यादा बिल्ट होते हैं इंसान के, बहुत ज़्यादा। रिकॉर्डिंग में तो मतलब क्लैरिटी ज्यादा आती है और आपको पेशेंस आई गेस ज्यादा आता है रिकॉर्डिंग में। मुझे लाइव ज्यादा एक से एक टेक फिर दूसरी टेक, रिकॉर्डिंग में ज्यादा पेशेंस आता है, लेकिन रिफ्लेक्सेस जो है वो लाइव में ज्यादा बनते हैं। लाइव में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। सर ये कौन सा साल था जब आप पिंडी आए? पूछिए मुझे। पिंडी जी जब टीवी शुरू होता है, मुझे सन याद नहीं है कौन सा था, लाहौर के बाद तो पिंडी स्टेशन बना ना जी। सही सर, ये आपने जनवरी में मूवी की, नवंबर में आपने टीवी किया, ज्वाइन किया, इसके दरमियान आपने इसके साथ साथ ये था मामा जी के रेडियो था। मेरा सफर शुरू होता है फिल्म से, सबसे पहले मैंने फिल्म के लिए गया। ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, लोग रेडियो से स्टार्ट करते हैं या थिएटर से, फिर टीवी, फिर मूवी, आपने स्टार्ट ही बड़े उससे किया। मैं फिल्म में आया, ओके, फिल्म के लिए गीत गाया, फिल्म बैन हो गई, वो गाना बैन हो गया और मुझे उन्होंने कहा जी बड़ा बदकिस्मत आर्टिस्ट है, प्ले बैंड सिंगर लिख दिया उन्होंने। अच्छा, प्ले बैक को प्ले बैंड, प्ले बैंड सिंगर लिख दिया वो मंजूर अशरफ की फिल्म। तो सर कुछ फीलिंग्स बताएं उस वक्त, क्या आपका फीलिंग? बस वो अल्लाह ताला से आरजू करता था कि परवरदिगार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, डिसहार्ट हुआ है उसकी पुण्य, डिसहार्ट जिंदगी में कभी नहीं होता, कभी होना भी नहीं चाहिए, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए उसकी रहमत से। सही। वो ये हुआ कि फिल्म के लिए, फिर ये है कि मैंने फिल्म के असल में इंटरेस्ट छोड़ दिया, फिर मैंने अपनी कंपोजिशन और मुख्तलिफ प्राइवेट गज़लें और गीत लेने शुरू कर दिए और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी EMI रिकॉर्डिंग कंपनी से। फिर बहुत से मेरे वॉल्यूम रिलीज़ होने शुरू हो गए, फिर टीवी आ गया, टीवी जब आया तो उसने तो फिर कमाल ही कर दिया। उसके बाद फिर रेडियो पर आया हूँ मैं, 1965 वॉर के बाद मुझे दोस्तों ने कहा कि रेडियो पे भी जाओ, वहाँ फिर अयूब रवानी साहब ने मेरी ऑडिशन ली। अच्छा। और मुझे फेल कर दिया। फेल कर दिया, फेल किया पहले 1961 में। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मेरा आवाज़ जो था वो कुछ एक टेन्योर होता है बंदे का, जब उसकी ये पता नहीं कि कंडी कहते हैं जी, जब उसकी लेरिंग से चेंज आती है। हाँ, एग्जैक्टली, वो तो सही, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं एट दैट पॉइंट देयर इज अ चेंज ऑफ वॉइस, वो टाइम था। और मुझे अयूब रवानी साहब ने कहा कि तुम 6 महीने या 8 महीने के बाद आओ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे पास कर दिया। सही। और फिर बिस्मिल्लाह मेरी उर्दू गज़ल से शुरू होती है, फैज साहब की गज़ल गाई, तेरे गम को जहाँ की तलाश थी तेरे जान साथ चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब सरे राह गुजार चले गए, ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग है।
अच्छा, और इब्तदा मेरी गजल से हुई है और आज भी लोग गजल सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो पे इब्तदा आपकी गजल से हुई? गजल से होती है। टीवी पे भी मेरी गजलों से शुरू होती है। मैंने वली दखनी वो सनम जब सुन बसा दीदा हैरान में आ, आतशे इश्क परी अक्ल के सामान में आ, और सिराज औरंगाबादी खबर तहीर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सुबह खबरी रही। ये गजलें मेरे पहले रिकॉर्डेड हैं। अच्छा। उसके बाद ये आई बिकेम एस्टैब्लिश्ड एज अ फोक सिंगर बहुत लेट जाके जोग के लिए एस्टैब्लिश्ड होता है। एस्टैब्लिश आप हुए लेकिन शुरू में लाइक उन लोगों को बताने के लिए कि जो एकदम से कहते हैं कि जी एकदम ही इंसान, वो तीसमा खान मूवी में तो आपने काम किया लेकिन यू कैन नॉट बीट तीसमा खान, मतलब मौजे तो होते हैं लेकिन बिकॉज स्टार्ट में इन आज से आपने बताया कि फर्स्ट ऑडिशन में रेडियो में भी आपको वो हुआ, फर्स्ट मूवी आपको प्ले बैंड सिंगर, तो ये खिजा ये मौसम है, डिफरेंट खिजा आती है बाहर आती है, यही जिंदगी है और इसी तरह इंसान आगे बढ़ता है। मैं अर्ज करता हूँ कि मैं छोटा सा था तो हमारे घर में लाइट नहीं थी। अच्छा। उस वक्त मैं मलकवाल में पढ़ता था तो दिए की रोशनी में मैं गया ना तो मेरे सर पे दीवार लगी, तो मैंने उसी दीवार पे एक शेर फिल्मी शेर कहा कि अंधेरी राहों से घबरा नहीं दिले हमदम, कभी मिलेगा उजाला ये नहीं अंधेरों से। वाह जबरदस्त। तो ये अल्लाह ताला की इनायत है, मुझे लिखने की शौक है, पढ़ने का ज्यादा शौक है, फिर उसके साथ साथ ये है कि मेरी उर्दू पंजाबी जुबान में तो बहुत शायरी करता हूँ अक्सर अपने गीत, बहुत से मेरे गीत पॉपुलर हैं दुनिया में, अपनी मेरी धुनें इतनी पॉपुलर हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि मेरी धुनें और कुछ बोल जिन जिन लोगों ने गाए हैं वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में उनका नाम है। आप मैडम नूरजहान जैसे लोगों ने क्यों दूर दूर रहते हजूर मेरे कदम, ये आपकी कंपोजिशन है? हाँ जी मेरी कंपोजिशन है, मादाम ने आपकी कंपोजिशन वो फिल्म के लिए उन्होंने छू 302 को फिल्म थी पंजाबी की। अच्छा। मैंने गुलाम अली भाई के लिए भी गाना बनाया, नितिन देव छोड़े साडा सुख चैन खोलिया। अच्छा इसी तरह रेशमा जी के लिए कानो कृता प्यार कानो दिल सुली चाड़िया, इसी तरह ताउल्ला आरफ लोहार और अकरम राइत सबर खानम नैसन भट्टी अमजद हुसैन सलील जावेद रफी साहब आशा भोसले गुरदास मान सखविंदर सुरिंदर कौर हरभजन मान अल्हम्दुलिल्लाह स्टीरियो नेशन। अच्छा। हाँ मैं वलायत कानू आ गया, जबरदस्त। उन्होंने आजकल चल रहे हैं ना जी वो जो लोग रीमिक्सेस भी जी रिमिक्स करते हैं उनको रीमिक्स करते हैं क्योंकि कुछ रीमेक होते हैं गाने कुछ रीमिक्सेस होते हैं। हम बात कर रहे थे वही वॉक्स ऑफ लाइफ की, डिफरेंट कंडीशंस जिंदगी में आती हैं, जैसे आपने कहा कि मायूसी कुफ्र है कभी भी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर खजा होती है वहाँ बाहर भी होती है, तो बाहर को मैं इसलिए रेफर करेंगे क्योंकि आपका गाना भी है जब बाहर आई, ये मेरी बड़ी फेवरेट गजल है, गजल है, आप मुझे भी सुना दें। अच्छा हम सुनाएं, आप नहीं थोड़ा सा सुनाएंगे? ये अयूब रहमानी साहब की शायरी है और इसकी मैंने धुन बनाई और 1971 BBC पे और ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम था और सलीम शाहिद अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे वो BBC लंदन में प्रोड्यूसर थे हमारे, जी जी सलमान शाहिद साहब के वालिद खुर्शीद साहिबा के हस्बैंड सलीम शाहिद, तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था। वो मैं कुछ बोल सुना देता हूँ, असल में ना मेरी जो छोटी बेटी है ना विरसा, अच्छा माशाल्लाह नाम भी आपने विरसा रखा, विरसा है मेरा, बेटी विरसा होती है, बेटे सलामत रहें। चूंकि एक शेर मैंने कहा है कि तियां कंधा रेत दियां पर लख तूफान सह जावन, तियां कंधा रेत दियां पर लख तूफान सह जावन, पुत्र प्यू दे तख्त उत्ते अखा मीट दियां बह जावन। तो बेटी का बहुत दर्जा है, उसने अफतारी के वक्त ऐसे ऐसे वो चिप्स बना के और इमली वाली चटनी उसने, मैंने कहा बेटा तुमने क्या कर दिया मुझे तो उन्होंने बुला लिया है। हाँ। उसने कहा पापा कोई बात नहीं, आप हमें ऐसे भी कबूल है, आप थोड़ा सा सुनाएं फिर हम आपको दिखाते हैं। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला,
बज़्म में गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला।